उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मासूम की मौत पर दुख जताया, गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम योगी कहते हैं कि जिस तरीके से घटना हुई न सिर्फ अफसोसनाक दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि बेहद दुखी करने वाली है। बालिका की मौत बहुत ही दुखद है, पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। सभी अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान, उन्होंने कुछ इस तरीके से अपना बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्नाव की पीड़िता के संदर्भ में यह कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, बालिका की मौत अत्यंत दुखद है, उनके द्वारा परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की गई है। सभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में हैं, मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर कड़ी सजा दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इन शब्दों के साथ में, कुछ इन अल्फाज के साथ में अपना दुख व्यक्त करते हुए एक तरीके से सांत्वना उन परिवार को दी है और एक मैसेज देने की कोशिश भी की है कि इस दुख की घड़ी में सरकार लोक परिवार के साथ, पीड़ित के परिजनों के साथ में खड़े हुए हैं। जल्द से जल्द हमारी कोशिश ये होगी कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके और फिर ये पूरा का पूरा मुकदमा, जिसके लिए ज़रूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, हम इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ में खड़े हुए हैं। तो दरअसल ये पूरा का पूरा मामला साल 2012 दिसंबर का है, जब पीड़िता के साथ में दो लोगों ने बलात्कार किया। बताया ऐसा गया कि वो लोग गांव के प्रधान के यहाँ थे और फिर करीब एक साल के बाद में उसे जिंदा जला दिया ताकि इस मुकदमे की पैरवी ना कर सके पीड़िता। हालांकि कल रात 11:40 पर पीड़िता की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक 11:10 पर उसे कार्डियक अरेस्ट आया था, यानी कि दिल का दौरा पड़ा था और उससे पहले शाम से ही उसकी हालत काफी नाजुक हो रही थी।